this is Mumbai and it is early morning, but a lot of people have already turned in. So we will speak with them. 288 constituencies, so many issues. Even people are calling it Dharma Yudh, because many times people also said that it is vote jihad is happening in this state and multiple other issues, but it is the voters who will tell us that what are the real issues. Well, Mumbai mein ek already itni developed jagah hai, to itne developed jagah pe असली इशू क्या है मैम, वोट करने का आपका मुद्दा क्या रहा आज का? पहली चीज, जो काम करता है ना उसको वोट दिया जाता है, जो एरिया का जो काम करता है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर मुंबई तो ऑलरेडी इतना डेवलप बराबर है, लेकिन एरिया वाइज वोटर है ना इस एरिया का। हम अभी सांता क्रूज में है, यहाँ के इश्यूज क्या रहे? जो काम कार्यकर्ता जो काम करता है उसको हम वोट देते हैं जी। बस तो बहुत सारे मुद्दे इस बार उठाए गए मैम, जैसे कुछ लोगों ने उठा के कोई फायदा, हाँ, लेकिन ये मुद्दे पे आप लोग का क्या कहना है कि जब लोग बोल रहे हैं कि कोई कुछ भी बोले कटेंगे तो कटेंगे, तो उस मुद्दे पे कुछ नहीं है, कोई कुछ बोले ऐसा कुछ नहीं है, जो हमको चले हम लोग जिसको। अच्छा, इट्स अ बिजी प्लेस। सर आप एक चीज बताइए कि मुंबई में मुद्दा क्या रहा इस बार, जो बटेंगे कटेंगे, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, ये सारी बातों पे लोग सोच रहे हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं हमको। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या था? कोई मुद्दा नहीं, आपको देश के लिए काम करने का और देश के लिए वोट देने का। तो मुंबई के लोगों को ऐसा लगता है क्या, मुंबई तो इतनी ज्यादा डेवलप्ड है तो यहाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम डेवलप चाहिए? लेकिन अब जैसे स्काईवेज बन रहे हैं, काफी कुछ हो रहा है, बड़े बड़े सड़कें बन गए, जिससे कि अब थोड़ा, आज मैं इधर से आया, आपके कोलाबा से आया, और इधर आने में इतना कम टाइम लगा सांता क्रूज़। बहुत अच्छा टाइम लगा ना, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी बन रही है और देश के लिए उन्नति हो रही है जी। लेकिन मुंबई जो है हमारा हब है और पूरे देश की नजर रहती है कि भाई मुंबई के लोग कैसे वोट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं। तो वो तो वोट तो अपनी अपनी मर्जी से करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है जी। देश की उन्नति हो गए तो उसमें अपने को साथ है जी, और वोट देना मेरा अधिकार है जी। बस थैंक यू सर। सर किस बात पे, किस मुद्दे पे वोट दिया? कटेंगे तो बटेंगे, विकास के लिए, विकास के लिए वोट दिया। नौजवान को नौकरी मिले है और क्या है। तो आप क्या करते हैं सर, आपका नाम? आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, भाभी को लेकर जीवित खराब चला रहा था पहले। अच्छा, आप लोग बात करके लग रहा है सर कि आप लोग बिहार या यूपी से आप आए हैं और अभी यहाँ पे सेटल्ड है? यूपी से हम लोग हैं। क्या नाम है सर आप? धर्मराज यादव। अच्छा, तो पहले मतलब राज ठाकरे जैसे लोगों से थोड़ा सा वो लगता था कि मुंबई एकदम अलग ही जगह है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लोग जो चाहे वो यहाँ के रह सकता है, काम कर सकता है। राज ठाकरे की कहानी खत्म है इस बार, उसका लड़का हम। हाँ, मतलब ये सब हम नहीं जानना चाहते कि आप किसको वोट करेंगे, लेकिन एक सिंपल सी चीज है, ये जानना चाहते कि लोगों का मुद्दा क्या रहा। और जब हम इस इलेक्शन का बात करते हैं तो बीजेपी कह रही है कि इसमें धर्म युद्ध भी है, ये एक तरह से धर्म युद्ध है। तो आपको लगता है एक धर्म युद्ध है इस बार महाराष्ट्र के लिए? वो लड़ाई है भाई भाजपा के लिए, शिवसेना के, दोनों का जी। क्या है, पहले गठबंधन रहता था, अभी सब अलग अलग है, दोनों का वर्चस्व की लड़ाई है। अभी देखो इसमें कौन आगे निकलता है, कौन पीछे जाता है, भाग्य बताएगा आज। जी, अभी सब लोग सोच रहे हैं कि विकास के लिए मोदी दूसरे देश में जा रहा है, कहाँ से कहाँ अपनी दुनिया हिंदुस्तान को ले गया, और महंगाई तो बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। लेकिन एक आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, देश विदेश कहाँ कहाँ से जा रहा है। हाँ, ये तो है, सब लोग एक चीज सोच रहे हैं कि अपना भारत आगे जाए। जी, जी, तो उस हिसाब से सब लोग सोच रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है इधर उधर, अभी जो विकास करे वो अच्छा है ना। जी, तो मतलब जिनसे भी अभी तक हमने अभी तक जिनसे भी बात की, उनके हिसाब से विकास इज द बिगेस्ट इशू इवन फॉर अ प्लेस लाइक मुंबई विच इज ऑलरेडी डेवलप्ड, बट देर आर मल्टीपल एरियाज विच आर नॉट डेवलप्ड, एंड पीपल ओवर देयर ऑफकोर्स दे वॉन्ट दैट देर शुड बी मोर फैसिलिटीज, एंड देर आर एरियाज विच आर क्वाइट डिस्टर्बिंग। वी हैव बीन टू प्लेसेज विच आर द स्लम्स that are quite disturbing, because there you don't have water, you don't have electricity, but in this area Santa Cruz, I'll tell you that it's much better in that way. So we'll ask more people who have voted and what they have to say. Sir, vote de diya sir? Haan ji. So kis mudde pe vote diya sir, is baar ka sabse bada mudda kya raha? Sabse bada kamal hi hai bhai. Nahi, main bas ye puchna cha raha hu. Part ji, chaliye. तो आपकी उम्र कितनी है वैसे? 73। ओके,
और मुद्दा एक चीज हम बस ये जानना चाहते हैं कि विकास के अलावा भी और कोई मुद्दा रहा है? विकास का ही है। अच्छा, विकास। और मैम आपने वोट दिया? हाँ दिया। हेलो हेलो, सो या इट्स मुंबई, पीपल आर बिजी अर्ली मॉर्निंग, दे केम टू वोट हियर एंड वी आर होपिंग दैट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स देयर विल बी अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन एंड वी विल सी मोर क्यूज ओवर हियर। वी हैव सम यंग वोटर्स, विल ट्राई टू आस्क देम आल्सो इफ दे हैव वोटेड। मैम, we just wanted to ask you, on what issues did you vote this time? Is it only Vikas or there are more? Definitely, we need progress. Mm-hmm. There's no progress here in this city. But Mumbai is one of the most developed places. It may be one of the most developed places, but nothing is progressing as required. So, and I think that's very important. If I ask you just two things that you want that should happen in Santa Cruz East or maybe in entire Mumbai, what will be those two things? See, the divide between the rich and the poor is just broadening. Right. The haves are more than the have-nots. So it is not, poverty is not going at all. We are just saying that there is no poverty, there is no poverty. But you look, if you go in the interiors and you see, you can see the real poverty. Yeah. And what is the government doing about it? Right. Nothing. It is only the rich are getting richer and the poor are getting poorer. Thank you. So this is something that we need to dwell on. So that is exactly right. We have been to places, some of the slums in Garib Nagar and other places that you don't have electricity. They are living in places like which are like tunnels. You don't have ways to go. We have already showed all these things in our reports. So despite being Mumbai, maybe 20-30% of the area, the people here, Pankaj and Yogesh, I want to tell you that they are still living in very bad conditions. Those are horrible conditions that they are living in, the labor class. But it is good to hear that everybody, even despite people who are, you know, the upper middle class or the middle class here in Mumbai, they are worried about what is happening with other people of Mumbai or Maharashtra. गरीबी की जो बात की मैडम ने कि जो डिस्पैरिटी है अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज दैट पीपल आर सेइंग एंड इट इज़ गुड टू सी दैट अर्ली मॉर्निंग पीपल हैव कम इन सच लार्ज नंबर्स हियर. विल कीप ब्रिंगिंग यू रिपोर्ट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू कीप एन आई ऑन दिस, इज सलमान खान गोइंग टू वोट टूडे और नॉट? Because he has not been doing the Big Boss episodes. So let's see if he is going to vote or not. We'll be going to his constituency as well.